हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मुजीद आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी गुजराती चेस चैनल में। आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी खुद की चेस की ओपनिंग तैयार कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए ना तो कोई आपको सॉफ्टवेयर लाने की ज़रूरत है और ना ही कोई बुक्स लेने की ज़रूरत है। तो कैसे ओपनिंग प्रिपेयर किया जाता है, आप अपने खुद के मूव्स कैसे चुन सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। तो ध्यान से देखिए पूरा वीडियो और फिर आप अपनी ओपनिंग प्रिपेयर कर सकते हो, खुद के मूव्स बना सकते हो। आपको इसके लिए एक नोट पेन लेके बैठना है सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों ये मोबाइल में नहीं बना सकते हैं क्योंकि डेस्कटॉप साइट आपको कंप्यूटर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगी। तो इसीलिए सबसे पहले आपको लैपटॉप ओपन करना है। लैपटॉप में गूगल में जाके सबसे पहले आपको चेस बाइट्स लिखना है। चेस बाइट्स सिर्फ लिख के आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे पहली जो साइट है चेस बाइट्स होम, यहाँ से ओपन करना है चेस बाइट्स। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ओपनिंग, पजल्स, टूर्नामेंट्स, प्लेयर्स, न्यूज और गेम्स। आपको यहाँ पे ओपनिंग पे क्लिक करना है और यहाँ और चार ऑप्शन मिल जाएंगे एक्सप्लोरर। तो सबसे पहला जो एक्सप्लोरर वाला जो है स्टेप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ओपनिंग एक्सप्लोरर। अब दोस्तों ये ऐसी स्क्रीन आपके सामने अलग से आएगी। गूगल के ऊपर से एक अलग बोर्ड मिल जाएगा आपको जिसमें मूव्स लिखी है और ड्रॉ वाइट ब्लैक रिजल्ट्स। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मानो कि आप E4 के अगेंस्ट तैयारी करना चाहते हैं कि मुझे E4 के सामने बेस्ट मूव खेलना है। तो जनरली आपको जब ब्लैक से ओपनिंग तैयार करते हो तो सिंपल है कि ब्लैक की साइड फ्लिप करके आपकी साइड रख देना है। अब यहाँ पे आपको पहला मूव व्हाइट का जो सिलेक्ट करना है, बुक में लिखना है E4 और यहाँ पे क्लिक करना है E4। E4 करने से तुरंत व्हाइट का मूव यहाँ आ जाएगा। अब इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे ब्लैक की ओर से। अब आपको नीचे के ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करने, जहाँ पे देखो साइड में दोस्तों गेम कितनी खेली गई है ये भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप नजर करिए कि जैसे कि आप ऊपर देखते हैं कि पहले C5 वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेली गई गेम है C5। तो C5 में आप देख सकते हैं कि 12 लाख गेम खेली गई है अभी तक। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा C5। हाँ, अब बेस्ट ऑप्शन सिलेक्ट करने में आपको दो चीज ध्यान रखनी है, परसेंटेज और गेम्स। अब परसेंटेज में देख सकते हैं आप ब्लैक 35% वन हो चुका है और व्हाइट 37, मतलब इक्वल, नियरली इक्वल है। तो आप C5 सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप C5 सिलेक्ट करते हो तो आपको समझ लेना है कि C5 मतलब ओपनिंग का नाम हो जाएगा सिसिलियन डिफेंस। पर आप सिसिलियन नहीं सीखना चाहते हो, जैसे कि आप E5 खेलना चाहते हो कि मुझे नॉर्मल E5 वाला मूव खेलना है, तो आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जिसमें देखो E5 खेलने से व्हाइट ज्यादा गेम जीत चुका है 42% और ब्लैक 30% जीता है और 27% गेम ड्रॉ हुई है। लेकिन ये इतना बुरा मूव नहीं है क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ही प्लेयर E5 खेलते हैं। यहाँ पे आप E5 सिलेक्ट करके खेल सकते हो। अब आपको देखना है सामने व्हाइट के सेकंड ऑप्शन आ जाएंगे। अब व्हाइट सेकंड में मोस्टली Nf3 करता है। अब आपको बुक में अलग अलग वेरिएशंस के पेजेस बनाने होंगे, जैसे कि आप सेकंड Nf3 वाले मूव्स लिख के एक पूरा पेज Nf3 के वेरिएशन में जाएंगे। उसके बाद आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि सेकंड Nc3 अगर व्हाइट करता है तो आपको क्या करना है, सेकंड Bc4 खेलता है तो उसका भी आपको मूव मिल जाएगा। तो इसी साइड पे से सारे मूव्स मिलेंगे और गेम भी आपको पता चलेगी कि कितनी ज्यादा गेम खेली जा चुकी है। आपको कोई भी मूव सिलेक्ट करने में एक बात का खास ध्यान रखना है कि यहाँ नीचे वाले जो ऑप्शन है जिसमें बहुत कम गेम खेली गई है तो ये सिलेक्टेड मूव नहीं है, मतलब रेयर केस में किसी ने खेल लिया होगा। तो ये आपका परफेक्ट मूव नहीं होगा। आपका परफेक्ट मूव यहाँ तक चलता है 1100 गेम खेली है
तो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इससे नीचे नहीं जाना है। तो ये खास ध्यान रखिए कि 1000 से ज़्यादा गेम खेली होनी चाहिए। अब आप हम देखते हैं यहाँ पे वाइट का नाइट F3 चूज करते हैं और हम अपने बुक में उसका सेकंड मूव लिख लेते हैं कि नाइट F3। आफ्टर नाइट F3 अब आपके पास देखिए ऑप्शन आ गए है ब्लैक से क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं पहला ऑप्शन चूज करूंगा NC6। लेकिन NC6 में आप एक बात देखिए कि व्हाइट 41% विनिंग रेट है और ब्लैक का 30% है। तो ब्लैक और व्हाइट में 10% का डिफरेंट है, लेकिन गेम खेली गई है 5,30,000। अब हम नीचे थोड़ा जाएंगे कि हमें इससे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। तो 38 और 47 वाला, इसमें हमें थोड़ा अच्छा रेट मिल रहा है, लेकिन ये है D5। तो D5 मतलब गैम्बिट हो जाएगी। तो हम ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें हम शुरुआत से गैम्बिट लाइन खेलते हैं। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सिलेक्ट करेंगे Nc6। भले ही विन रेट कम है, लेकिन वर्ल्ड में खेली भी ज्यादा गेम जा चुकी है, तो ये आपके लिए अच्छा मूव है। अब हम व्हाइट का दो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, दो पेज बनाएंगे ये पोजीशन के बाद। इस पोजीशन के बाद एक होगा Bb5 और दूसरा होगा Bc4। पहले हम देखेंगे Bb5। दोस्तों Bb5 का मतलब है रॉयल लोपेज ओपनिंग। उसके जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद ब्लैक के ऑप्शन खुल जाते हैं। तो ब्लैक के ऑप्शन में क्या है, अब देखिए कि ब्लैक में A6 फर्स्ट मूव, मतलब रॉयल लोपेज, उसके बाद A6, नाइट F6 सेकंड मूव, F5 थर्ड ऑप्शन है, D6 फोर्थ ऑप्शन, बिशप C5 फिफ्थ ऑप्शन और Ng e7 सिक्स्थ ऑप्शन है। दोस्तों मैं आपको एक और भी बात बताना चाहूंगा कि Ng e7 भले ही सिक्स्थ ऑप्शन है, लेकिन लियोन आरोनियन ने ये वेरिएशन पसंद किया था। लियोन आरोनियन आप सभी लोग जानते ही होंगे, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, ग्रैंड मास्टर। तो लियोन आरोनियन, उसने Ng e7 से गेम बहुत सारी खेली है, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसी के बारे में मैंने पूरा वीडियो अपलोड किया है, जो मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। तो Ng e7 हम ये सिलेक्ट करेंगे। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। व्हाइट ने यहाँ पे कैसल किया है, तो फर्स्ट चॉइस ही हम व्हाइट की ओर से सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि बेस्ट चॉइस होगी तो ही ज्यादा लोगों ने खेली होगी, ये भी आपको मान लेना है। कैसल, उसके बाद G6, यहाँ भी बेस्ट चॉइस, ये मेरे वीडियो में आपको यही मूव मैंने बताया है, G6। उसके बाद व्हाइट खेलता है C3। अब हम ब्लैक की ओर से देखेंगे, Bg7 सबसे ज्यादा है और A6, उसमें विन रेट ब्लैक का ज्यादा है 252। अब आपको यहाँ पे 1000 के नीचे की गेम मिलेंगी, क्योंकि यहाँ से गेम बहुत चेंज होती है, कुछ गेम्स उसमें चली जाती है, कुछ गेम्स दूसरे वेरिएशन में चली जाती है, इसलिए गेम्स कम होती जाएंगी। जैसे जैसे आप मूव करोगे तो यहाँ पे टोटल खेले जाने वाली गेम कम होती जाएगी। तो अब आपको यहाँ अपना रेशियो भी कम करना है और 252 वाला भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम A6 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि A6 से ब्लैक ने ज्यादा गेम जीती है, विन रेट ब्लैक का अच्छा है। यहाँ पे बिशप A4 फर्स्ट चॉइस है। अब हम खेलेंगे बिशप G7। तो देखो ये दोस्तों, अब रिजल्ट में परिवर्तन आ गया, मतलब व्हाइट कम जीता है और ब्लैक 40% विन है। तो हम Bg7 अपनी मूव सिलेक्ट करके रख देंगे। तो ऐसे आप पूरी 10 से 12 मूव तैयार कीजिए, जो आपके ओपनिंग के हिसाब से आप बिल्कुल आसानी से फाइट कर सकते हो ब्लैक की ओर से। तो इसी प्रकार आप व्हाइट के मूव्स भी चूज कर सकते हो। तो ये हो गई हमारी ब्लैक की लाइन, जो हम E4 के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं D4 के अगेंस्ट हमें कैसे खेलना है। तो हम वापस से यहाँ पे प्ले में आ जाएंगे फर्स्ट मूव में। अब हम व्हाइट को खिलाएंगे D4। D4 के अगेंस्ट आप कौन सी लाइन पसंद करते हो, जैसे कि नाइट F6 वर्ल्ड में अभी सबसे हॉट फेवरेट है नाइट F6, और ये है किंग्स इंडियन डिफेंस। और देखिए यहाँ पे 11 लाख गेम खेली जा चुकी है सबसे ज्यादा। तो हम ब्लैक की ओर से नाइट F6 पसंद कर सकते हैं। नाइट F6 के बाद व्हाइट खेलता है C4, पहला ऑप्शन उसका C4 है। तो C4 के आगे हमें क्या रिप्लाई देना है, E6 में ब्लैक विन रेट कम है, G6
जी सिक्स में ब्लैक विन रेट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन व्हाइट का उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ पे C5 भी हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, D6 कर सकते हैं, लेकिन हम मेन लाइन में देखते हैं तो ज्यादा खेले जाने वाली गेम पहले हम G6 खेल सकते हैं, क्योंकि हमें किंग्स इंडियन खेलना है, तो G6 इज गुड। उसके बाद आप यहाँ सिलेक्ट करो व्हाइट की फर्स्ट चॉइस Nc3, Nc3 के बाद आपकी चॉइस होगी Bg7। पहले शुरुआती मूव में आप विन रेट कम देखना, लेकिन गेम्स कितनी खेली गई है वो देखना ज्यादा है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपनी कोई भी लाइन तैयार कर सकते हो, व्हाइट से भी कर सकते हो। जैसे कि व्हाइट से हमें करना है तो बोर्ड को फ्लिप कर देंगे, यहाँ पे मूव को फर्स्ट पेज पे ला देंगे और फिर शुरू करेंगे E4 से। अगर हमें E4 खेलना है तो E4 से सिलेक्ट करेंगे, और अगर हमें D4 खेलना है तो फर्स्ट मूव हमारा D4 करेंगे। तो ये होती है टेक्निक ओपनिंग प्रिपरेशन और ओपनिंग बनाने की। हम अपने मूव्स खुद बना सकते हैं इसमें से सिलेक्ट करके। आपको इतनी सारी वेबसाइटें मिलती है, chess.com है, chessbase है, और इसके आगे आपको क्या करना है। मानो कि मैंने ब्लैक से एक स्कैंडिनेवियन का वेरिएशन तैयार किया, तो हम पहले देखेंगे स्कैंडिनेवियन में कैसे हम तैयार करते हैं, और उसके बाद तैयार करने के बाद हमें क्या करना है। जैसे कि E4, उसके बाद D5 मेरी चॉइस है 6th नंबर की, उसके बाद E takes D5 सबसे ज्यादा लोग खेलते हैं, मैं खेलता हूँ Nf6 जो सेकंड वेरिएशन है। विन रेट के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया है D4, ये फर्स्ट चॉइस है पोर्टुगीज गैम्बिट। मैं खेलता हूँ Bishop G4 मेरी सेकंड चॉइस, जिसमें ब्लैक ज्यादा जीता है। उसके बाद F3 Bishop E2 Nf3 और F3 थर्ड चॉइस लेता हूँ व्हाइट की ओर से, बिशप क्योंकि कोई भी है तो ये पॉन प्लस होने का दावा करेगा कि मुझे पॉन प्लस होना है। यहाँ पे Bishop F5, उसके बाद C4, और यहाँ से अब आप वर्ल्ड में बहुत सारी जो गेम खेली गई है उससे देखना चाहते हो, तो ये पोजीशन लाने के बाद आपको यहाँ पे शो गेम्स विद दिस पोजीशन ये क्लिक करना है, और इस पोजीशन पे क्लिक करोगे तो सारी गेम्स उसी पोजीशन से खेली जाने वाली सभी गेम्स इधर आ जाएगी। और उसमें से आप देख सकते हो कि 2300 रेटेड वाला प्लेयर और 2600 रेटेड वाला प्लेयर आमने सामने खेला है यही पोजीशन से, और इसमें कौन जीता है तो व्हाइट विन है। तो व्हाइट ने ये गेम जीती थी, तो कैसे जीती थी और ब्लैक ने क्या मिस्टेक की थी ये आप इस गेम से पता कर सकते हो। उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि जैसे कि 1800 रेटेड प्लेयर के सामने 20, तो ये रेटिंग का डिफरेंट देखो कि बहुत है, तो ये गेम हम नहीं देखेंगे। जिसमें रेटिंग का डिफरेंट बहुत कम हो वही गेम, जैसे कि ग्रैंड मास्टर यहाँ पे ब्लैक से खेला है 2400 रेटेड वाला, और उसके सामने खेला है 21, लेकिन ग्रैंड मास्टर यहाँ पे जीता है, तो 0-1 वाली गेम देखनी है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये गेम यहाँ पे लोड हो जाएगी। उसके बाद पूरी गेम हम यहाँ से अपने कर्सर से प्लस करके आगे जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आगे प्ले करना चाहते हैं तो एक एक मूव एरो से आगे ले जाएंगे, तो पूरी गेम ऐसे हम एनालिसिस कर सकते हैं और पूरी गेम में क्या मिस्टेक हुई है सामने वाले से, या हमने कौन सी अच्छी मूव की है ब्लैक से, ये भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखो व्हाइट ने Bishop पॉन से Bishop पे अटैक किया, नाइट सेक्रीफाइस किया ब्लैक ने, और नाइट देने के बाद भी ब्लैक यहाँ पे GM जीता है, तो ये हमारे लिए काफी बेस्ट गेम है। तो ये गेम हम पूरी साइड में रख के 2-3 बार देख के उसका एनालिसिस करके और गेम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से की जाती है ओपनिंग की स्टडी। आपके पास बहुत सारी वेबसाइट है, मैंने आपको chessbytes.com में बताया, ये मेरे लिए बहुत ही आसान तरीका है, और आप चेस बेज में भी ऐसे गेम्स सर्च कर सकते हो, गेम देख सकते हो, और chess.com जो ऑनलाइन प्रैक्टिस का प्लेटफॉर्म है, ली चेस, बहुत सारे ऑनलाइन प्रैक्टिस के प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करना, हो सके तो शेयर भी जरूर करना। हम जल्द ही मेरे नए वीडियो के साथ मिल जाएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।